हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आलोक शाह के और आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार के आलोक शर में। आज मैं आपको बताऊंगा गति के नियम और उनके परिचय और उनमें क्या क्या प्रश्न निकल कर आएंगे वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे गति के नियम की। तो गति के नियम की परिभाषा सबसे पहले न्यूटन ने दी थी और उन्होंने अपनी ये परिभाषा सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखी थी। गति के नियम सबसे पहले प्रिंसिपिया में 1687 में वर्णित किए गए थे। न्यूटन द्वारा तीन नियम बताए गए थे। नंबर एक, पहला नियम है कि कोई अगर वस्तु रुकी हुई है तो वो अपनी रुकी हुई अवस्था में ही बनी रहेगी, और अगर कोई वस्तु चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक उसे कोई बल ना लगाया जाए। इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं और इसे हम गैलीलियो के जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब बल की परिभाषा का वर्णन भी इसी नियम के अंतर्गत होता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर व्यक्ति की पीछे की तरफ आना, या चलती गाड़ी अचानक गाड़ी चलने पर व्यक्ति का आगे की तरफ जाना। अब हम बात करेंगे न्यूटन के दूसरे नियम की। न्यूटन का दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। तो F बराबर M इंटू ए। अब हम बात करेंगे न्यूटन के तीसरे नियम की। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, बंदूक से निकली गोली चलने पर बंदूक का पीछे जाना, अगर हम नाव से कूदेंगे तो नाव का पीछे हट जाना, और इसमें हमारा रॉकेट का भी उदाहरण आ जाएगा। आज हम बात करेंगे उत्तोलक की। उत्तोलक पे होते हैं जो सीधी टेढ़ी छड़ होती है, यानी कि यह सीधी टेढ़ी छड़ होती है उत्तोलक, जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम सकती है और किसी भी कार्य को आसानी से कर सकती है। ये उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राथमिक उत्तोलक। नंबर दो, द्वितीयक उत्तोलक। और नंबर तीन, तृतीयक उत्तोलक। आपको ये याद रखना है कि हमारी कैंची है वो हमारी प्राथमिक उत्तोलक है, प्लास है हमारा प्राथमिक उत्तोलक है। अच्छा, जिन वस्तुओं के ऊपरी सिरों पर हम बल लगाते हैं लेकिन दूसरे सिरों पर उनका बल आता है, उन्हें हम प्राथमिक कहते हैं। अब द्वितीय में आएगा हमारा सरौता और तृतीय में हमारा हाथ आएगा। अब हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम की। इस नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने ही किया था। जब किन्हीं दो पिंडों के मध्य आकर्षक बल लगता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षक बल कहते हैं। नंबर एक पॉइंट, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक जबकि विषुवत रेखा पर इसका मान न्यूनतम होता है। नंबर तीन, यदि किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो जी का मान घटेगा, और यदि दूरी बढ़ा दें तो जी का मान बढ़ जाएगा। अब नंबर चार, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घट जाए तो जी का मान बढ़ जाएगा, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो जी का मान घट जाएगा, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति 17 गुना बढ़ा दें तो भूमध्य रेखा पर की वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लिफ्ट की। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान है तब लिफ्ट में पिंड का मान बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, जबकि अगर पिंड लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो वस्तु का मान घटता हुआ प्रतीत होता है। यदि लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो पिंड के भार में परिवर्तन नहीं होगा। और नंबर दो की बात करें तो यदि लिफ्ट नीचे आते समय लिफ्ट का तार टूट जाता है तो लिफ्ट में जो पिंड या द्रव्यमान या वस्तु होती है उसका मान शून्य होता है। अब हाँ, आज हम बात करेंगे पलायन वेग की। यह एक ऐसा वेग है जिसके द्वारा कोई ग्रह या पिंड किसी वस्तु का अपने से बाहर या अंदर जाने के से रोकता है, पलायन वेग कहलाता है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के पलायन वेग की। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि चंद्रमा के लिए मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है।
यदि किसी उपग्रह का कक्षी या वेग या कक्षा का वेग अंडर रूट 2 गुना करने तो अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घटिया लगा है तो आप भी बता सकते हैं, बहुत अच्छा लगा तब भी आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें और लाइक तो बिल्कुल ही ना करें। धन्यवाद।